लोआ तेरी आंखों का जादू मिस्टर लोआ लोआ। किसने मेरा पहले? मेरा मेरा है पहले। चुप। डॉक्टर मैं हूँ, तुम नहीं। आप सबसे पहले आ जाओ। अभी चेक करता हूँ। बताइए आपको क्या बीमारी है? मुझे आजकल फिल्मी हीरो के सपने आते हैं। अच्छा, कभी शाहरुख खान आता है, अरे बाप रे, कभी सलमान खान आता है और गुदगुदी करने लगता है। अरे आमिर खान पता है क्या कहता है? चलती है क्या खंडाला? क्यों, जॉनी लीवर नहीं आता क्या? अरे हट परे, वो मुआ तो मुझे राखी बनवाता है, वो कैसे आएगा? तुम्हें तो बड़ी खतरनाक बीमारी है, तुम्हें तो पहले चेक करना पड़ेगा। ये बीमारी ऐसी खतरनाक है, इसके लिए कपड़े उतारना पड़ेगा। उतारो। तो क्या कपड़े उतारने से मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी? अरे क्यों नहीं, तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं बल्कि 3-4 किलोमीटर दूर जाएंगी। तो चलिए ना, खोलिए ना। आए? और तुम्हारी बीमारी मेरे समझ में आ गई है। आइए आइए आइए। तुम्हें फिल्म स्टार की बीमारियां थी ना? जी थी ना। हाँ हाँ। ये साक्षात फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन है, इन्हें बीमारी है। बच्चन, हाय दैया, एक डायलॉग तो बोलकर सुनाइए ना। क्यों नहीं, जिगर का दर्द कहीं ऊपर से मालूम होता है। जिगर का दर्द कहीं ऊपर से मालूम होता है कि जिगर का दर्द अंदर से नहीं मालूम होता है। आधा वर्ज। अरे क्या, तू तो डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन है और तू भी कोई असली डॉक्टर नहीं है, और मेरी बीमारी तू क्या ठीक करेगा? मैं सब समझ गई। चल हट। चली। मैं डॉक्टर हूँ यार। बिल्कुल मैं डॉक्टर ही हूँ। एक कव्वाल से तू डॉक्टर कैसे बन गया है? अबे बना बना काम बिगाड़ दिया मेरा। देखा नहीं तूने मैं डॉक्टर बनके कैसा ऐश कर रहा हूँ, अंदर की बीमारियाँ देख रहा हूँ बाबा। अबे ये जो तेरी अंदर की बीमारियाँ है ना, इनको तू बाद में दूर करते रहना, पहले मेरी बात सुन। यहाँ पर कोई मुन्नी नाम की डाकू है जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम है। मुन्नी भाई एक बार मिली दे बाबा। क्या लात मारी धीरे जबरदस्त। अबे लात बात को छोड़, पहले मेरी बात सुन। क्यों ना हम दोनों मुन्नी भाई को पकड़ लें और 5 लाख रुपए का इनाम है वो हम दोनों ले लें। कुछ सोच। कुछ सोचना पड़ेगा। मैं मैगी। अरे मैगी डोंट वरी, शी विल कम। आ जाएगी मैगी। When? 10:30 हो गया, आज तो इसकी नौकरी गई। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या कुछ नहीं होगा, चीप भर के वे मीटिंग का टाइम हो गया है। आई थिंक ही विल किल हर। ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड टू हर? शी इज गॉन, शी इज गॉन। गुड मॉर्निंग मैगी। बैड मॉर्निंग। हाउ आर यू मैगी? बेटर देन यू। आ गया डॉक्टर कव्वाल खान आ गया। अल्लाह बोलो बे। इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ? डॉक्टर क्या तुमने डाकू मुन्नी भाई को देखा है? डाकू मुन्नी भाई और यहाँ? नहीं 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 इंस्पेक्टर नहीं। ठीक है। एक मिनट, आपकी दाई आंख फड़क रही है, लगता है आपकी दाई आंख में सुअर का बाल है। क्या आप बकते हो डॉक्टर, आदमी की आंख में सुअर का बाल कहाँ से हो सकता है? हो सकता है इंस्पेक्टर साहब, जब आदमी अपनी खुद की बीवी छोड़कर पराई लड़कियों के पीछे लाल टपकाता घूमे ना, तो आदमी की आंख में सुअर का बाल आ सकता है। खामोश डॉक्टर। बहुत उतरा, ऐसा लगता है किसी ने गटर का ढक्कन खोल दिया हो, इतनी बदबू आ रही तुम्हारे मुझे। खामोश डॉक्टर, मेरी बात कान खोल करके सुन लो। डाकू मुन्नी बाई इसी इलाके में आई है, अगर तुम्हारी नजर पड़े तो मुझे फौरन इतला करना। वही मुन्नी भाई ना जिस पर 1 लाख रुपए का नाम है? हाँ। अरे तुम फिकर मत करो इंस्पेक्टर साहब, अगर वो मुझे मिल गई तो मैं लाके आपके हवाले कर दूंगा, 1 लाख रुपए खड़ा कर ले लूंगा। ठीक है। हे माँ जगदम्बा, एक बार मुझे मुन्नी भाई से मिला दे ताकि देख के इंजेक्शन कर दूं उसे लंबा,
और फिर मुझे मिलेगा 1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000 मुन्ने भाई तू रवाब रवाब डॉक्टर तुझे 1,00,000 नहीं 1,00,000 जरूर मिलेगी ओए मेरी माँ ला 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 ओए डाकू डॉक्टर साहब रुक जा वरना गोली मार दूंगा डाकू भाई लोग यहाँ क्या लेने आए हैं आप लोग हम दवा लेने आए हैं दवा लेने आए हैं मैं समझा डाका डालने आए क्या बीमारी है आप लोगों को हम सबको पेशाब में जलन होती है समझ गया डाका डालते समय जो लड़की सामने आती है उस पर सब की सब टूट पड़ते हैं ना आगे देखते ना पीछे देखते हैं बीमारी नहीं होंगे और क्या होगा क्या करें जल्दी में आगे पीछे देखने का समय नहीं मिलता डॉक्टर साहब मुझे तो लगता है तुम लोगों को एड्स हो गया इस भयंकर बीमारी से बचने का उपाय क्या होगा इस भयंकर बीमारी से बचने का एक ही उपाय है ये लो येलो निरोध और एक बात याद रखो जब भी डाका डालने जाओ जेब में गोली कम निरोध ज्यादा रखना लेकिन डॉक्टर साहब ये निरोध हम अभी इस्तेमाल करना चाहते हैं वेरी गुड लेकिन यहाँ तो कोई लड़की है नहीं किसमें इस्तेमाल करोगे आप तो है ना मुझे अंदर चलो वरना गोली मार दूंगा नहीं रास्ता बता और मैं क्या कर रहा है वाह क्या मजा आया आज जाओ जाओ तुम लोग भी मजा ले लो अरे तू भी आ गया रे अरे चलो चलो हम भी मजा लेते हैं छोड़ मेरे को छोड़ अरे तुम सब आ गए वाह क्या निरोध है इतने सारे डाकू ये डाकू यहाँ क्या कर रहे थे आए क्या हुआ भाई ये डाकू लोग यहाँ क्या कर रहे थे अरे मेरा सब कुछ लूट लिया रे डाकू ने मेरी इज्जत लूट ली है डाकू ने मगर जाते जाते एक काम अच्छा कर गए हैं वो क्या मुन्नी भाई का पता बता के गए हैं और उसके साथ एक बात और बता के गए हैं कि वहाँ जाना तो भेस बदल के जाना ये तो बहुत अच्छी खबर है फिर तो हम दोनों कव्वाल बन जाते हैं तो क्यों ना हम दोनों कव्वाल बन के जाएं